सो मच. आई हैव ऑलवेज बिलीव कि मुझ पे या एक्चुअली हर नारी पे यू नो इंडियन लुक बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सलवार कमीज हो या चाहे वो साड़ी हो, कुछ भी इंडियन हो, हमेशा एक औरत पे बहुत अच्छा लगता है. एंड हेंस आई एम फॉलोइंग दैट. एंड दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि नीरुषा ने अपना लेबल नीरुषा यू नो आज लॉन्च किया है. इट्स वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आज तक हम सब यू नो नीरुषा के डिज़ाइंस पहनते आए हैं, हम सबको ये मौका मिला है उनकी डिज़ाइंस को इन्जॉय करने का. आई एब्सोल्युटली लव देम, चाहे वो टीवी शोज हो या चाहे वो पर्सनल इवेंट्स हो, उसके लिए आई ऑलवेज यू नो प्रेफर नीरुषा डिज़ाइंस. और ये अब हर कोई पहन सकता है. एंड और अच्छी बात ये है दैट यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट एनी अदर क्लोथ्स ब्रांड, दिस ब्रांड इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्रमोट इंडियन हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी अपनी क्राफ्टमैनशिप है, जो हमारे क्राफ्टमैन्स है, जो उनकी एक्चुअल सिग्नेचर, हमारे हेरिटेज की जो डिज़ाइंस है, हैंडलूम है, वो सब हम इंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. ऑनेस्टली आई पर्सनली लाइक वेयरिंग समथिंग दैट आई एम कम्फर्टेबल विथ, चाहे वो एक पजामा और टी शर्ट क्यों ना हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो जीन्स हो, एनी थिंग दैट एनी डिज़ाइन एनी ट्रेंड दैट मेक्स मी कम्फर्टेबल, वो मेरा फैशन है. वेल आई जेन्युइनली कांट शेयर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट बहुत जल्द होपफुली मुझे परमिशन मिलेगी उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट. सॉरी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऑफकोर्स यार, हर जो एक्टर है, हर एक्टर है, उसका ये ड्रीम होता है कि यू नो वो 70 mm पर आए, सिल्वर स्क्रीन पर छाए. सो या मेरा भी वो ड्रीम है, एंड आई एम डेफिनेटली यू नो इफ दैट अपॉर्चुनिटी कम्स माई वे आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट. थैंक यू सो मच.